हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना शेफ गुलजार। और आज रेसिपीज आपने बहुत सारी बनाई होंगी घर पर, और आगे भी ईद पर भी आपका प्लान होगा कुछ बनाने का। तो मैं आपको एक ज़बरदस्ती रेसिपी देने जा रहा हूं, और वो फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पर बना रहा हूं, और वो है बिहारी चिकन। बिहारी चिकन कैसे बनता है ये आपने ट्राई करना है और ज़रूर बनाना है अपने पास, और उसका टेस्ट मुझे बताना ज़रूर है आपने कि कैसा बना है। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिहारी चिकन। इसमें लेंगे सरसों का तेल 1 कप, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे ब्राउन प्याज तकरीबन 1 कप के करीब, या बड़ी प्याज को आप ब्राउन कर लें, और इसको हल्का सा पकाएंगे। और इसके बाद डाल देंगे इसमें भुने हुए चने 1/2 कप के करीब, और इसे जो है मिक्स कर देंगे। और इसके अंदर 2 इलायची बड़ी वाली, और वो हमने कूट के डाल देना है इसके अंदर, और इसे थोड़ा सा पका कर 1-2 मिनट, और उसके बाद इसको ग्राइंडर में पानी डालकर इसका चूरा जो है मिक्स कर लेना है, पेस्ट तैयार कर लेना, ठीक है। और अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है, बिल्कुल अच्छी तरह, ठीक है जी। ये देख लें, इसका पेस्ट तैयार हो गया। और अब इसके बाद हम शामिल करेंगे 1 किलो चिकन में ये सारा पेस्ट, और इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। मैरिनेशन से ये फायदा होता है कि ये अच्छी तरह से मैरिनेट, अंदर तक मसाला चला जाता है। ये बिल्कुल नई टेक्निक है, आपको फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पर दिखा रहा हूँ, इसको और से देख लें। और इसको मैरिनेट करने का टाइम जो है उसको ज़रूर ख्याल रखिएगा, तकरीबन 1 घंटे इसको मैरिनेट कर लें। और इसके बाद स्टार्ट करेंगे थोड़े से जो ऑयल में हमने फ्राई किया था सरसों के तेल में, उसी में हमने इसको चिकन को शामिल कर दिया। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने भून लेना है, और आपको पता है देसी खाना जब तक अच्छी तरह से ना भुने तो टेस्ट नहीं आता है। तो उसके बाद 1 चाय के चम्मच इसमें हम नमक शामिल करेंगे, और कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच डालेंगे इसमें, और हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे इसके अंदर, और कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच शामिल करेंगे, और इसे फिर मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके साथ ही पक जाए। इसका कलर चेंज हो चुका, अब मैं इसमें डालूंगा गार्लिक पेस्ट 1-2 खाने के चम्मच, और इसको मिक्स करूंगा, ठीक है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे दही 200 ग्राम के करीब, पिटा हुआ दही होना चाहिए अच्छी तरह से, और इसे हमने डाल दिया है 200 ग्राम दही, और खट्टा नहीं होना चाहिए दही, ठीक है, बिल्कुल ताज़ा दही होना चाहिए। और इसके बाद इसको मिक्स किया आपने। इसके बाद एक मसाला हम तैयार करेंगे, जिसमें 8 से 10 हमने साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं, और ज़ीरा जो है 1 चाय का चम्मच ले लिया, 1 खाने का चम्मच हमने इसमें डाल दिया है धनिया। इन तीनों चीज़ों को हमने हल्का सा सेक लिया, ठीक है, और सेक कर इसको अपने मसाला वाली मशीन के अंदर डालकर इसको पीस लेना है, ठीक है, मोटा मोटा दरदरा जिसको कहते हैं। इसको पीसने के बाद ये मसाला हमने अपने साइड पर रख लेना है, ये देखिए मोटा मोटा कुट गया। इसके बाद जब चिकन पक जाए बिल्कुल तैयारी के आखिरी मराहल के अंदर हो, तो इसके अंदर इस मसाले को हम शामिल करेंगे, और आखिर में शामिल करना है ये देख लें 1 खाने का चम्मच इस मसाले से, 1 खाने का चम्मच हमने डाला, थोड़ी सी अदरक डाल दी, और थोड़ी सी हरी मिर्चें स्लाइस करके ये भी ऐड कर दिया, और इसे पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। 2-4 मिनट इसको पका लें, दम लगा लें, और उसके बाद अब ये रेडी है, तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश किया हमने, और लेमन के स्लाइसेस थोड़े से इसमें डाल दिए, बाकी डिश आउट करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरह से हमने इस पर वो जो मसाला बनाया था वो थोड़ा सा ऐड कर दिया पहले, और उसके बाद अदरक के स्लाइसेस डाल दिए इसके ऊपर, और उसके साथ हरी मिर्चों के स्लाइसेस डाल दिए, लेमन डाल दिया, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। रोटी के साथ, नान के साथ खाएं, एंजॉय। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि बिहारी चिकन बहुत ही मज़ेदार, थोड़ी सी टेक्निक के साथ। ये जो सीक्रेट है ये मैंने पहली दफ़ा आपको बताया कि बिहारी चिकन या बिहारी कबाब बनता कैसे, इसका फ्लेवर क्यों अलग सा आता है, तो ये आपने टेक्निक इस्तेमाल करनी है। और बिहारी चिकन, इसको हम बिहारी चिकन कबाब भी कहते हैं, तो सालन होता है लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा, और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसे बनी।